अब मैं और दिमाग नहीं खराब करूंगी अपना, बहुत हो गया ऐसे ही में, स्ट्रेस हो रहा है मुझे इतना ज्यादा। ये नई वाली क्या छुट्टी है, घर फैलाना है। छुट्टी का मतलब ये होता है घर फैलाना है। मेरी जब खुशखबरी है। हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द व्लॉग। आज का व्लॉग लेट शुरू हुआ है क्योंकि आज अद्विक घर में है और अद्विक का आज क्या है, छुट्टी है। और छुट्टी है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कैसे पता चलेगा कि वो छुट्टी में है। मतलब जिस दिन ये छुट्टी में उस दिन मैं छुट्टी पे नहीं रह सकती। तो ये है अभी कंडीशन। चलो जहाँ जहाँ चलेंगे वहाँ वहाँ चीज़ें मिलेगी। चलो ये तुमने ये सब क्यों किया है मुझे ये बताना। छुट्टी है, घर फैलाना है। छुट्टी का मतलब ये होता है घर फैलाना है। हाँ। और ये वहाँ पे वो कौन रखा है? ये मैंने रखा है, कौन लोग की प्रैक्टिस करना है। और ये ग्लास? ये ग्लास ऐसे रखा है। अद्दू क्यों परेशान कर रहे हो यार? और ये ट्रैक्ट? और ये ट्रैक्ट क्यों परेशान कर रहे हो यार? अदु यार ये क्या तरीका है, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी ये क्या मुझे परेशान कर रखा है। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। स्नेक हो ये भगवान। तो ये हो रहा है आज, पूरा घर फैला रखा है। कभी इधर ठीक करती हूँ तो उधर, उधर ठीक करती हूँ तो उधर। और अद्वी के पापा भी घर पे हैं क्योंकि आज छुट्टी है यहाँ सबकी, तो उसने अलग फैला रखा है। लेकिन चलो वो रूम तो मैंने बंद कर दिया है कि उसको मतलब कि दिमाग में गंदा। हाँ। कौन सा गंदा? गद्दा है। गद्दा क्या लगाऊं? मैट्रेस कहाँ लगाना है, किस लिए लगाना है तुम्हें? तुम मुझे क्यों कब से बोल रहे हो? टाइकोंडो करने के लिए। टाइकोंडो गद्दे से कैसे करोगे बताओ ना। कैसे करोगे टाइकोंडो गद्दे से? ये किसने बताया है तुम्हें गद्दे से टाइकोंडो करने के लिए? तुमने पहले मुझे बताओ किसने तुम्हें ये जानकारी दी है? टाइकोंडो सर ने, टाइकोंडो सर ने क्या बोला है टाइकोंडो सर ने कि बेड पे जो गद्दे लगे हुए उसको उठा के ले आओ और फिर करो? हाँ। कॉल करके पूछूं? हाँ। एक काम करो, पिलो ले लो। नहीं नहीं, ये छोटा चीज है। तो इस पे कैसे करोगे? कुछ नहीं बोलना, अब मैं और दिमाग नहीं खराब करूंगी अपना, बहुत हो गया ऐसे में, स्ट्रेस हो रहा है मुझे इतना ज़्यादा। ये नई वाली मेड है, मैं इससे एकदम परेशान हो गई हूँ। इतना गंदा पोछा करके गई है कि मतलब मैं बता नहीं सकती। हर जगह मार्क्स दिख रहे हैं, हर जगह मार्क्स। मार्क्स क्या होता है? मार्क्स मतलब वो जो होते हैं ना स्पॉट्स, जैसे देखो वो दिख रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं वो स्पॉट्स, दाग वाग कुछ भी अच्छा से करके नहीं जाती है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि 10 दिन के लिए झेलना है, 10 दिन के लिए झेल लूँगी, क्योंकि अब फिर किसी को पकड़ो, फिर कैसी मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब ये सबसे बड़ी टेंशन है मेड को ढूंढना। और मैं ये बता रहा हूँ मेरी खुशखबरी, कल जब बंटी आई थी, मेरी जब खुशखबरी है कि जब बंटी आई थी तब बंटी बोली थी कि मेरे सिर में दर्द कर रहा है, तो फिर मम्मा से पूछी कि बहन जी चाय पिएगा तो बहन जी ने दीदी दीदी चाय पीजिएगा तो आधा कप दूध था, तो आंटी बोली कि कितना दूध लूं, तो मम्मा बोली जितना लेना है आपको ले लीजिए, तो फिर आंटी तो बहुत सारा दूध ले ली, और फिर चाय बनाने के लिए कुकर तो और घंटा लगेगा आंटी बोली थी, और फिर और चाय को लेके सोफा पे बैठ गई थी, और मेरे पापा कह रहा था और मम्मा कह रही थी कि कचरा बिल्कुल भी नहीं फेंकती हो तुम, कचरा तो सब फेंकते हैं। तो ये सब इसने तब सुना है जब मैं सिद्धार्थ को बता रही थी। मतलब मैं क्या बोलूं, आधा लीटर दूध था, आधा लीटर का ग्लास है उसमें दूध था, तो उसने मुझे बोला चाय बनानी, मैंने बोला आप बना लो जितना आपको दूध चाहिए, तो उसने ऑलमोस्ट आधा लीटर में मतलब थोड़ा सा कम होगा थोड़ा सा उसने सारा दूध डाल के सारा दूध बना लिया, और मम्मा बंद मत करो, फिर रुको ना खत्म दूध, फिर दूध खत्म, फिर दूध मम्मा सारा ले लिया था आंटी ने दूध। अच्छा ठीक है, तुम इतने ट्रॉमा में क्यों आ गए हो? फिर आंटी ने दूध
ज्यादा क्योंकि इसका दूध चला गया था। आंटी ने दूध ज्यादा ले लिया था, मम्मा बोली चाय थोड़ा और लेना है, ठीक है पकने देना है क्या। अच्छा ठीक है, चाय थोड़ा और पकने देना है, चाय हो गई क्या। तो आंटी ने बोला कि चाय अभी और होगी कुकर पे। इसकी इतनी लंबी कहानी सुनने के बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस आधा लीटर दूध होगा तो उसने पूरा आधा लीटर का दूध का चाय बना लिया। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज फिर वही कहानी वापस से रिपीट हुई। उसने मैंने बोला कि आपको चाय बनाना है, चाय बना लो, तो आधा लीटर दूध था बॉयल किया हुआ, तो फिर से उसने सारा ले लिया थोड़ा छोड़ा, मतलब आधा लीटर चाय में एक आदमी की चाय कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। वैसे मैं किसी चीज़ में रोकती टोकती नहीं, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही है। गाइस मैंने ये गद्दा यहाँ लगा दिया, अब यहाँ करो प्रैक्टिस, हाथ मत तोड़ लेना बस ये। मैंने पहली बार सुना है ऐसी प्रैक्टिस। तुम्हारे जो बॉक्सिंग वाला जो था ना, बॉक्सिंग वाला जो था ना, वो तो मैंने फेंक दिया था, इसमें करो, इससे क्या होगा, पावर्स आ जाएंगे। हाँ टिंडू, ए टिंडू बस यहाँ से वहां जाके गिरे, नौटंकी थोड़ा कम कर लो, ठीक है तुम करो और मैं इसको ठीक कर दी, तुमने पूरा फैलाया है। आधी जल्दी जल्दी कर लो फिर हम लोग मैगी बनाएंगे। क्या? पीछे से भी कुछ आवाज आ रही है, क्या बोला? मेरे लिए मैगी बना दूंगा। तुम्हारे लिए मैगी नहीं बनेगी, मैगी अपना काम करो। कभी तो बना दिया करो, हमेशा बनाती हो। नहीं बना सकती सॉरी, कर लो कर लो, बहुत काम कर रहे हो, कर लो। जो फैला रखी हो यहीं से गद्दा उठा के ले गया है ना। तो गाइज अब मैं चलूँगी मैगी बनाने के लिए, और अभी मीन वाइल हम लोग वीडियोज़ बना रहे थे, वीडियो एडिट कर रहे थे, जो कोलैबोरेशन आए हुए थे उसके, तो ये मैंने सब्जी निकाली है। मैंने सोचा था कि गाजर वाजर सब डालूंगी, लेकिन कुछ नहीं था, तो मुझे बस शिमला मिला है, वो भी इतना छोटा सा, इतू सा कुछ नहीं, कुछ फ्लेवर तो आ जाएगा। प्याज है, हरी मिर्च है और टमाटर है। अब पानी मैंने चढ़ा दिया है, पानी बॉईल हो रहा है, तब तक मैं इसको चॉप करती हूँ। टमाटर शिमला मिर्च मैंने डाल दिया है पानी में ही, अब काटूंगी मैं प्याज। लास्ट के लास्ट व्लॉग में मेरे से किसी ने पूछा था कॉफ़ी की रेसिपी, कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी, तो मैंने बोला था हाँ नेक्स्ट पे, तो लास्ट वाले व्लॉग में मैं भूल गई थी बताना। बहुत ही ईजी है, आप कॉफ़ी लो, जितना आपको कॉफ़ी पसंद है, आपको ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है ज़्यादा, कम पसंद है कम, उसमें मैं शुगर की जगह जैगरी पाउडर डालती हूँ और वनीला आइसक्रीम डाल के, दूध डाल के, ठंडा दूध डाल के उसे मैं ग्राइंड कर देती हूँ, जो ब्लेंडर आता है ना उससे कर देती हूँ ताकि वो फोमी हो जाए, और फिर बस ग्लास में या कप में निकाल के फिर उस पर फिर से आइसक्रीम की स्कूप डाल के पी लो, ये तो ईजी है। जल्दी जल्दी प्याज काटती हूँ, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब ये जो है बिल्कुल सब्जी वगैरह अब बहुत सॉफ्ट हो गई है इसके अंदर, तो अब मैं नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक। अरे यार मैगी है कि नहीं देखना पड़ेगा, मैगी है कि नहीं मुझे देखनी पड़ेगी, फोन ही गिर गया सॉरी। मुझे देखना पड़ेगा कि मैगी है कि नहीं, मैंने सब कुछ की तैयारी कर ली है, मैगी ही नहीं मिलेगा तो देख भाई मैगी है कि नहीं। अरे इतनी सारी तो मैगी है, एक मेरे लिए, एक अद्वि के लिए, एक सिद्धार्थ के लिए, तीन काफी है, तीन ही बनाऊ ना, चार तुम दो खाओगे, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये। तो मैगी मिल गई है, हम रोज नहीं खाते मैगी, 10 दिन 15 दिन में कभी कभार एक बार खा लेते हैं, तो मैगी होने ही वाली है। मैंने इसमें ऑरिगैनो भी डाल दी है, थोड़ा सा सॉस भी। किसी ने डोसा की भी रेसिपी पूछी थी, तो डोसा की मैं आपको ना लिंक भेज दूंगी, जहाँ से मैंने देखा था, यूट्यूब पे ही मैंने देखा था, किस चैनल से देखा था वो मैं आपको बता दूंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो डोसा भी बहुत इजी है, बस टाइम लगता है, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी तो ये तो मतलब कि कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। एक बार आपको चाय बनाने में फिर भी टाइम लगता होगा, वैसे मैं चाय नहीं पीती, कोई नहीं पीता मेरे घर में,
लेकिन कॉफ़ी सिर्फ मैं पीती हूँ, मैं और अभी को देती नहीं, बच्चा है ना तो इसलिए कॉफ़ी नहीं देती देती, कैफीन की आदत क्यों लगाऊँ। तो कह रहे थे अभी सोया नहीं है और अभी पढ़ाई भी नहीं किया, अभी आ रही हूँ पढ़ाने के लिए, मुझे बोल रहा है कि मम्मा तुम क्या कर रही हो ये। तो गाइस मैगी खा ली है, मैंने भी खा ली, सिद्धार्थ ने भी खा ली, अच्छी लगी मैगी, लेकिन अद्विक को प्लेन मैगी पसंद है तो उसने फिर दोबारा से प्लेन मैगी बनवाया। तो अब ये जो घर वर सब जो पूरा बिखेर रखा है इसको ठीक करती हूँ और आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।